साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, आपने क्लास सिक्स में पढ़ा था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिक्स में है उनको फूड की आवश्यकता होती है, मतलब फूड उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर उनको जिंदा रहना है। सजीवों के लिए भोजन की आवश्यकता सबसे ज्यादा जरूरी रहती है, यह आपने क्लास सिक्स के अंदर कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब कि पौधों में पोषक तत्व किस प्रकार से होते हैं, पादपों में पोषण किस प्रकार होता है, पोषण न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, तो पौधों का पोषण कौन करता है, और फिर इसके अंदर पौधों का पोषण किसके थ्रू होगा, तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से काम करता है, और पौधों में जो होते हैं प्लांट्स में कौन से पार्ट्स होते हैं जो इसमें पार्ट लेते हैं, लीव्स होते हैं तो लीव्स में कौन कौन से अलग अलग पार्ट है, और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमको हमारे फूड के अंदर जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन फैट्स मिनरल्स और आदि बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है वो मिलते हैं, तो इन सभी कंपोनेंट्स को से हम क्या बनाते हैं फूड, और इसी फूड से हमको क्या मिलता है न्यूट्रिशन मिलता है मतलब कि पोषण मिलता है। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी पढ़ेंगे जो कि लीव्स का क्या काम है इसमें, और फिर क्या कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है या फिर कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी जो होता है नाइट्रोजन वो फूड में किस तरीके से प्लांट्स की ग्रो करने के लिए नेसेसरी है, और किस कितने टाइप से जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिशन करते हैं मतलब कि कितने तरीकों का पोषण इनमें हो जाता है, वो सारे टाइप्स हम पढ़ेंगे। जैसे ऑटोट्रॉफ्स होता है, हाइड्रोट्रॉफ्स होता है, इसी तरीके से पेरिसाइट हो जाएगा, इंसेक्टिवाइज प्लांट्स होता है, साइक्रोट्रॉफ्स होता है, तो ये सारे के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद में सबसे मेन जो सोर्स होता है वो प्लांट, प्लांट जो है वो कहाँ लगते हैं, प्लांट जो होते हैं वो सॉइल में लगते हैं, मिट्टी में, खेतों में, तो क्या उन सॉइल के जो न्यूट्रिशन होती है वो हमेशा एक जैसे ही बनी रहती है, चाहे उनसे अपन ने पहले भी प्लांट का ग्रो कर लिया, तो नहीं, वो सॉइल का जो न्यूट्रिशन है वो फिर कैसे कंप्लीट होता है, क्योंकि प्लांट्स के साथ साथ में उनका जो न्यूट्रिशन है वो कम होता जाता है, तो ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो, हम सभी को जो फूड की है जो रिक्वायरमेंट रहती है हमारी जो भी फूड रिक्वायरमेंट करते हैं, तो हमको फूड मिलता कहाँ से, प्लांट से, हमको मतलब ह्यूमन को और एनिमल्स को दोनों को ये फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, वो बोले डायरेक्टली बोल दो या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, है ना। तो इन द क्लास सिक्स यू लर्न दैट फूड एसेंशियल फॉर आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड नेसेसरी फॉर अवर फूड बॉडी, आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, दे ईट प्लांट्स, दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, मतलब कि ना तो पशु अपना भोजन खुद से बना सकते हैं और ना हम बना सकते हैं, तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ पर डिपेंड करते हैं, पौधों पर डिपेंड करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण की विधि, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब कि पादपों में पोषण की जो विधि होती है, तो मेनली तो टू काइंड होती है, जो उसकी मोड होती है वो ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है स्वपोषी, जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओके, ऑटो मतलब कि स्वयं, और ट्रॉफ्स मतलब कि बनाना। ओके, तो ऑटोट्रॉफ्स होता है मतलब कि स्वपोषी, इसको हिंदी में हम बोलेंगे स्वपोषी, एंड हेटरोट्रॉफ्स मतलब कि जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो इनको बोलते हैं हम विषम पोषी। टू टाइप्स होते हैं, तो प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म, दे कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, मतलब कि प्लांट्स जो ओनली वो ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, कैसे, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड मिनरल्स और जो अपने आसपास के जो भी वातावरण परिवेश में जो मटेरियल्स है रॉ मटेरियल्स कच्चे पदार्थ उनको प्राप्त होते हैं, सड़ी गली पत्तियां जो गिर जाती है उसके थ्रू,
द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, मतलब हमारी बॉडी को बनाने के लिए वो आवश्यक होता है, टू ग्रो टू प्रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। मतलब कि हमको अगर डैमेज भी होगा कोई पार्ट तो उसको सही करना है, तो उसके लिए भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ग्रो करने के लिए भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है इस तरीके से। तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और बॉडी के द्वारा इसका उपयोग कर लिया जाता है। ओके, जो भी फूड फूड के थ्रू हमको न्यूट्रिशन मिलता है पोषण। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड थेमसेल्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। मतलब कि स्वपोषण कहते हैं जो कि खुद से अपना भोजन बनाते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट। न्यूट्रिशन देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे वाले जो स्वपोषण खुद से अपना भोजन बना लेते हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक से बना है ऑटोट्रॉफ्स मतलब स्वपोषी। फिर अपन आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड होता है एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। मतलब कि अगर जानवरों को देख लें, एनिमल्स को और अदर भी जो होते हैं जो कि अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो उनको हम क्या बोल देंगे, हेटरोट्रॉफ्स मतलब कि विषमपोषी। ओके, हेटरोट्रॉफ्स क्योंकि वो और किसी पर डिपेंड होती है अपना फूड रेडी करवा रहे हैं। ओके, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज आर प्लांट्स आर लोकेटेड। मतलब कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो तो हमको ऐसी चीज फूड ला के दे नहीं सकते जैसा हम खा सकते हैं, तो जो हमारे प्लांट्स हैं हमको ग्रेन्स एंड जो भी पैडी एंड जो भी हमको धान वगैरह मिलता है, गेहूं चावल राइस वगैरह, तो ये सब कहाँ का फैक्ट्री में बकायदा हमको मैन्युफैक्चर किया जाता है पहले और उसके बाद हमारे पास आता है। फोटो पौधों में जो संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो खुद से कैसे बनाते हैं, तो ये इसकी एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो इसके लिए अपन एक फार्मूला याद रखते हैं कि किस तरीके से बनाया है। देखो यह आपका एक फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम CO2 बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं, CO2 कहाँ से लेते हैं, जो एटमोस्फियर में रहते हैं। हम भी जब ब्रेथिंग करते हैं तो हम ब्रेथ करते हैं अंदर लेते टाइम पे क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, एंड वापस जो ब्रेथ को आउट करते हैं तो उसमें आउट में हम क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो जो CO2 बाहर निकलती है उसका यूज वापस कौन कर लेते हैं, प्लांट्स कर लेते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो CO2 और प्लस जो हम उसको प्लांट्स को वाटर देते हैं ना पानी, तो उसका यूज करके इन सनलाइट क्या नेसेसरी है इसके लिए, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। फिगर को भी मेजर कर सकते हैं। ओके, इसको देखते रहिए और कौन कौन से प्लांट से क्या क्या हो रहा है, कौन सा पार्ट किस तरीके से नेसेसरी है। तो आगे हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो अब ये जो प्लांट्स है वो ओनली द
प्लांट्स, पूरा का पूरा प्लांट्स जो है उसके हर एक जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो जैसे लीव्स जो होती है पत्तियां है ना, तो पत्तियां जो होती है वो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, मतलब कि पौधे के लिए फूड फैक्ट्री का काम कौन करता है, तो पत्तियां करती है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव, मतलब कि लीफ के लिए जो कच्चे पदार्थ होते हैं, रॉ मटेरियल जो होते हैं आसपास के, वो भी जरूरी है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, मतलब कि जो वाटर और मिनरल्स है वो प्रेजेंट है सोइल में, और वो किसके द्वारा ऑब्जॉर्ब होंगे, रूट के द्वारा। रूट मतलब होता है जड़े, पृथ्वी जो प्लांट्स की जो जड़े हैं रूट्स, उसके द्वारा ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे वाटर एंड द मिनरल्स, और लीव ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, और वो ऑब्जॉर्व करके जो जड़े हैं वो ऑब्जॉर्व करेंगे। जैसे कि अपना प्लांट हो गया और ये लीव्स हो गई और ये इसकी जड़े, तो इसमें रूट में जो जाएगा वाटर एंड मिनरल्स, और वो कहाँ तक चला जाएगा, ऐसे करके लीव्स के पास चले जाएगा। इस तरीके से उसका न्यूट्रिशन कम्प्लीट हो जाएगा जिस जिसका प्लांट के पास जाना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोसेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो हम हवा करते हैं वो वाली कैसे लेगा जो प्लांट है, प्लांट के ऊपर जो लीव्स लगी हुई है उसका जो पार्ट होता है लीव, तो लीव्स के ऊपर जो होता है टीनी प्रोसेस होता है। टीनी प्रोसेस मतलब की होता है, टीनी प्रोसेस मतलब की छोटे खड्डे होते हैं बहुत ही बारी बारी, जिनको हम माइक्रोस्कोप वगैरह से भी देख सकते हैं आसानी से। तो उससे ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो कि लीव्स की सरफेस होती है ओके पत्ते के ऊपर साइड में, दीज प्रोसेस आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच प्रोसेस आर कॉल्ड स्टोमेटा, और ये किसके थ्रू काम करती है, तो गार्ड सेल्स जो रहती है लीव्स के अंदर उसके थ्रू अंदर जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टोमेटा। आपका फिगर नंबर जो 1.2 का सी ए बी एच सी दे रखा है, इस पूरी प्रोसेस को समझा रखा है। देखिए जैसे आपके पास ये लीव्स दे रखी है, लीव्स के बाद में जो आपका स्टोमेटा है वो कैसा रहता है, और जो ये गार्ड वगैरह जो भी हमने अभी नाम लिए हैं वो सारा इस पिक के अंदर आपको दिख रहा है। तो आप इसको अच्छे से पोज करके अपनी बुक में से रीड करना, तो आपको ये जो लीव्स हैं इसके हर एक पार्ट को समझ में आएंगे। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, वो बता चुके हैं आपको कि जो वेसल्स होती है वाहिकाएं होती है जो इसमें से ये आपका वाटर और मिनरल ऊपर जाता है। द स्ट्रेम द ब्रांचेस एंड द लीव्स दे फ्रॉम अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ रीच टू लीव, दे आर कॉल्ड वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट टू मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में आप इसको और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगामेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, लीव्स के ऊपर जो होता है हरा हरे रंग का जो होता है उसको बोलते हैं ग्रीन पिगामेंट, और इसको हरा वर्णक या क्लोरोफिल कहते हैं। ओके क्लोरोफिल हरित वर्णक जिसको बोलते हैं। इट हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर। ओके मैंने पहले बताया सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो यूज होगा। फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड एक्वायर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जो आपको पहले इसके फार्मूले के थ्रू मैं आपको कंप्लीट समझा चुकी हूँ। ओके द सन इज द नेसेसरी पार्ट, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी सजीव वस्तु है उनके लिए जो सूर्य है वो अल्टीमेट सोर्स है, मतलब चरम स्रोत है, मतलब कि जो कभी खत्म भी नहीं होगा, और इसके बिना हम कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो भी हमारा वो रह ही नहीं सकता है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या आप लाइफ को जो है वो इमेजिन कर सकते हो अर्थ के ऊपर, नहीं, क्योंकि प्लांट्स ही ग्रो नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे, और हम नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, तो इस तरीके से हमारी लाइफ हो ही नहीं सकती है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, द सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। Besides the oxygen which is essential for the
सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑफ सिंथेसिस। ट्रांसलेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो आपको ये इक्वेशन में आपको ये बता रखी है, ये पूरी प्रोसेस सनलाइट कार्बोहाइड्रेट क्लोरोफिल एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इससे आपको कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन मिल जाएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। ऑक्सीजन इसमें रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज लीव्स इंडिकेटेड द ऑक्यूरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च मीन्स होता है मंड जो मिलता है अपने स्टार्च, ओके, वो भी उपस्थित रहता है। आप आते हैं अपने सेकेंड वाले पे, जो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी पेड़ों को क्या क्या नेसेसरी होता है, तो जरूरी थोड़ी है कार्बोहाइड्रेट ही रहे। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो है वो एक और रहता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी कैसे पूर्ति होती है, तो नाइट्रोजन रहता है वो हमारी सॉइल में रहता है। सॉइल मतलब कि मिट्टी जहाँ प्लांट जो है हमारा ग्रो करता है, लगा हुआ रहता है, ओके। तो उस नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे होती है, तो जो प्रोटीन होता है और नाइट्रोजन प्रोटीन नाइट्रोजन वो सब्सटेंस है जो अब वो हमको इसको सॉइल से मिलेगा, ओके। यू हैव जस्ट लर्न द प्लांट्स सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच अ प्रोटीन्स एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेरिया टू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब प्लांट्स को जो है वो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन नेसेसरी है। तो वो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एट द अबाउंडेंस इन गैसेस फ्रॉम द एयर। एयर में जो गैसेस है, एयर मतलब कि हवा के अंदर जो गैसेस है उनके अंदर बहुत ज्यादा अनबाउंडेशन मतलब कि अपार या प्रचुर मात्रा में गैसेस अवेलेबल होती है और उस गैस के अंदर नाइट्रोजन भी अवेलेबल रहती है। हाउएवर प्लांट्स कांट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। सोयल है सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज्ड इनटू द सोयल। मतलब कि अब ये नाइट्रोजन जो है गैस में अवेलेबल है, ये प्लांट्स तक कैसे जाएगा, तो जो सोयल रहता है सोयल के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं जीवाणु वो इसको क्या करेंगे, गैस को कन्वर्ट कर देंगे, ओके। कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म ऑफ रिलीज्ड इनटू द सोइल। और जीवाणुओं के द्वारा इनको नाइट्रोजन को जो है सोइल में प्लांट्स के लिए यूजेबल बनाया जाता है। वॉटर यू ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन द नाइट्रोजन टू द सोइल। मतलब कि अपना जो हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, मतलब कि अब जो मिट्टी के अंदर सॉइल है वो क्या कम्प्लीटली रहेगा, जरूरी थोड़ी है। जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो नाइट्रोजन को लेते जा रहे हैं, तो नाइट्रोजन की एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की जो है कमी हो जाएगी, तो उसको कैसे कम्प्लीट करेंगे। तो आपने देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने जो क्रॉप्स होती है फसल उसके ऊपर क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअल का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअल मतलब कि खाद और उर्वरकों का यूज करते हैं, उसके थ्रू जो भी कमी होती है सॉइल में वो सारी पूर्ति हो जाती है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में पादपों में पोषण की अन्य विधियां, और कौन कौन सी विधि है जिसके थ्रू जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिशन मिलता है, तो और भी है, जैसे कि हमारे पास है पैरासाइट इंसेक्टिवायरस प्लांट्स एंड स्प्रोट्रोप्स। नाइट्रोजन हो गया हमारा और आप हम मदर भी बॉर्ड होते हैं। अब ये पैरासाइट का मतलब क्या आ जाएगा, नया जो आपको मिल रहा है
तो आप लोग कुछ पेड़ ऐसे देखे होंगे ट्रीज जो बहुत बड़े लार्ज पेड़ रहता है और उसके पेड़ के ऊपर जो एक जाल जैसा कुछ बन जाता है ना, और उसको हम समझ ही नहीं पाते कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से एंड हो रहा है। वो जो जाल रहता है वो पूरा पेड़ के नीचे और ऊपर से नीचे तक आ जाता है, जमीन तक पूरा उस पेड़ को घेर लेते हैं। तो वो जो ऊपर बना हुआ है उस पेड़ तो जो है न्यूट्रिशन इसी तरीके से मिलेगा, फोटोसिंथेसिस जो भी हमने पढ़ा है, लेकिन जो उसके ऊपर जो अदर है जो जाल जैसा बना हुआ है तो ये भी कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन ले रहे होंगे, तो इनका न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है? तो ये जो रहते हैं जिस पेड़ के ऊपर रहते हैं, जिस ट्री के ऊपर रहते हैं, तो उस ट्री को बोलते हैं होस्ट। ओके, मतलब कि हमारे घर में अगर कोई आ रहा है उसको हम बोलते हैं गेस्ट, और जो घर वाले रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, होस्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से जो जिसके ऊपर वो जो बन जाते हैं पेड़ अदर, उनको बोलते हैं पहले तेरे साइड, मतलब कि पर पोसी, दूसरे के ऊपर पोषण करते हैं, पर पोषण। ये दूसरों के ऊपर पोषण करते हैं, दूसरों के पोषण से अपना लाइफ चलाते हैं। ओके, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कांट सिंथेसिस फूड, सिंथेसिस फूड हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाई अदर प्लांट्स। मतलब जैसे हम और जानवर दूसरे प्लांट्स में है, उसी तरीके से कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो अदर पर डिपेंड करते हैं। दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड, मतलब कि वो विषम पोषी मोड जो है वो यूज करते हैं, विषम पोषी मोड, मतलब हेट्रोट्रॉफिक जो आपने फर्स्ट में दो पढ़े थे ना, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, तो हेट्रोट्रॉफिक के भी कुछ मोड हो जाएंगे। ये तीनों जो है किसके पास हो जाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक मतलब विषम पोषी जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये फिगर आपको दिख रहा है जैसे कि फिगर नंबर 1.5, इस तरीके के आपने ये जो ट्री देखे होंगे, और इसमें देखो ये जो ऑलरेडी एक पेड़ है, ट्री है, और उसके ऊपर ये कुछ कुछ दिख रहे हैं, तो इनको बोलेंगे हम पेरिसाइट्स, है ना। और ये किस तरीके से न्यूट्रिशन इनको हेट्रोट्रॉफिक मोड में न्यूट्रिशन लेते हैं, इसको हम अमरबेल भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलेंगे कस्कट। हिंदी में अमरबेल, जो स्टार्ट भी हो जाती है तो एंड होता ही है। फिर द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट, सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, कस्कट इज कॉल्ड द पैरासाइट, विषम पोषी को कहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स, क्या हम भी एक तरीके से पैरासाइट्स हैं, परपोषी हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ एली। Have you seen or heard of plants that can eat animals? मतलब क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि दूसरे जीवों को खाते हैं? यस, हम तो प्लांट्स को खाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स भी हैं जो कि एनिमल्स या फिर जो छोटे टाइप्स के जीव होते हैं उनको खाते हैं। सुना है आपने, कुछ इस तरीके के भी होते हैं जिन्हें हम बोलेंगे इंसेक्टिवायरस प्लांट्स, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स, मतलब कि उनको हिंदी में बोलो तो कीट भक्षी पादप, कीट भक्षी जो कि कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। ये इस तरीके से आपको एक प्लांट दिखाई देता है जिसमें कि जो ये लीव्स होती है और लीव्स के जो मुंह पे एंड होता है, ये जो कुछ आपको जो हम होम में यूज करते हैं जग, जग के जैसा दिखता है, और इसके ऊपर एक लीव होती है, तो जैसे ही एक जो छोटा सा कीट होता है वो पास में आएगा, ये लीव ओपन होगी और जो कीट है वो इसके अंदर चला जाएगा, और इसके अंदर जाते से ये जो ये इसके अंदर ही इसका पूरा न्यूट्रिशन जो है इसमें से जो भी यूजफुल था कीट में से वो सब लेके, और ये पौधा इसी तरीके से ग्रो करता है। तो देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड बिगेस्ट देम, इट इज नॉट अमेजिंग, सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर, लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 जो मैंने आपको अभी बता दिया है। ओके, इसको बोलते हैं पीचर प्लांट, पीचर प्लांट भी, या फिर इसको ये आपका पीचर प्लांट, या इसको हिंदी में बोले तो इसको घट पर्डी भी कहते हैं। ओके, घड़े के जैसा रहता है।
The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hairs which entangle the trapped insect. The lid closed and the insect is trapped. The insect is killed by the juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. It bakshi padav, insectivorous plants. Okay. It is possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow. अब एक और टाइप का होता है कि आपने कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि मरे हुए जो मृत दूसरे चीजों पर डिपेंड करते हैं. जैसे ये तो था एक आपने जो पढ़ा है इंसेक्टिवायरस पढ़ना, पैरासाइट्स पढ़ा है जो कि दूसरे पैर से पैर ट्री के ऊपर ट्री आ जाएगा. इंसेक्टिवायरस प्लांट्स पढ़ा है जो कि आपको एक दूसरे एनिमल्स या छोटे जो होते हैं उनको खा लेते हैं और फिर अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं. इसी तरीके से एक और टाइप होता है जो कि सेप्रोट्रॉप्स कहलाता है. ओके, इसको बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉप्स. सेप्रोट्रॉप्स का मतलब होता है मृतजीवी, मतलब कि जो मरे हुए पर डिपेंड करता है. दूसरे जो छोटे छोटे से रहते हैं ना मरे हुए, आपने बहुत बार मशरूम की सब्जी खाई होगी ना, तो मशरूम कुछ इसी तरीके से उगाई जाती है. या फिर जो वो फंगी होती है, आपने ब्रेड लाए हैं अपने घर में और ब्रेड को अगर खुला छोड़ दिया आपने तो आप एक दो दिन में देखेंगे उस ब्रेड के ऊपर जो हरा हरा सा आ जाता है. तो वो हरा हरा सा कैसे आ गया, क्या हमने तो उसमें कुछ रखा नहीं था. तो उस टाइप से जो होते हैं उन सभी को हम क्या बोल देते हैं, एस्प्रोट्रॉप्स. क्योंकि वो कैसे बने हैं, जो मृत जीवित है एस्प्रोट्रॉप, मतलब ब्रेड के ऊपर कुछ बैक्टीरिया पनपे और वो बैक्टीरिया जो है वो वहीं के वहीं किल हो गए, मर गए, तो उसके थ्रू वो जो फंगी बन जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की. ओके, तो इस तरीके से वो फंगी भी एस्प्रोट्रॉप्स कहलाती. और आपने न्यूट्रिशन से आपने पढ़ ही लिया है कि वो जो मैट सॉइल में जो न्यूट्रिशन है वो फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर से भी वापस से कम्प्लीट होता जाएगा. तो हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉस और इन पॉट्स. डू यू नो व्हाई दिस इज डन? यू लर्न दैट प्लांट्स अब्सॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल सो देयर अमाउंट्स from the soil. You learn that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time टू एनरिच द सॉइल. मतलब टाइम से टाइम हमको जो फर्टिलाइजर्स होता है उसके अंदर नाइट्रोजन भी रहता है, पोटेशियम भी रहता है, फास्फोरस भी रहता है, और टाइम टू टाइम भी हमको मिट्टी को जो है सॉइल्स को देना होता है, तभी तो हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे. ओके, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर. तो फर्स्ट चैप्टर आपका कम्प्लीट हुआ. इसमें मेनली जो है फोटोसिंथेसिस हो गया है आपका, और जो तीन चार नाम बताए थे किस किस टाइप के होते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और फिर हेटरोट्रॉप्स हो गया था, वो पैरासाइट हो गया, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स, सेप्रोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स हो गया. ओके, इसकी नई नई आपके लर्निंग हुई है. इसमें वेसल्स मतलब हो जाएगा वाई का है, स्टोमेल का मतलब ग्रंथि होता है, गार्ड सेल्स मतलब द्वार कोशिका, और टीनी पोरस प्रोसेस मतलब छोटे गड्ढे, हाइड्रो क्लोरोफिल मतलब की हरा भरना, और फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, पैरासाइट मतलब परपोजी, इंसेक्टिवायरस मतलब कीट पक्षी, सेप्रोट्रॉप्स मतलब मृतजीवी, और सेल्स मतलब कोशिका. अब सेल्स क्या होता है, जैसे कि हमारा जो बिल्डिंग्स होती है वो ब्रिक्स से बनी होती है, ब्रिक्स मतलब कि ईंटें एक के ऊपर एक. इसी तरीके से जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है मतलब सभी सजीव है उनका जो बॉडी बना होता है वो छोटे छोटे सेल से बना होता है. ओके, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेल्स बना होते हैं. और सेल्स में भी और भी पार्ट होते हैं, जैसे कुछ न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्मा होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है. तो ये आपको पूरा इस तरीके से दे रखा है, ये इसका सेल का जो है डायग्राम है. सेल मतलब होता है हिंदी में कोशिका. तो इसको भी आप अच्छे से इसको लर्न कर लेना, ये वाला चैप्टर, ये वाला पीक देख के कि हम आखिर बने किस चीज से. ओके, ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है.
तो ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ओके।